सोशल मीडिया पर चंद दिन से एक तस्वीर वायरल हो रही है। कब्र है और कब्र के ऊपर लिखा हुआ है हाजी मोहम्मद यूसुफ सहगल, और नीचे लोगों ने लिखा है ये पहले तो बहुत अमीर थे और जब ये फोत हुए तो देखें इनकी कब्र कितनी खस्ता हाल है। यूसुफ सहगल वहां पर नाम लिखा गया, असल क्या वो उनकी कब्र है भी कि नहीं, मैं आज आपको उस राज से पर्दा उठाने के लिए यहां पर लेके आया हूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिर्जा उस्मान भी मौजूद हैं जो तारीख दान है, तो सबसे पहले तो ये कि आपने वो तस्वीर देखी, उसके बाद रिसर्च की कि आपको पहले से अंदाज़ा था क्या, और क्या वो जो तस्वीर है वो असल है क्या है? मैं क्योंकि ज़्यादातर तो तारीख पे काम करता हूँ और तारीखी शख्सियात के ऊपर ही काम करता हूँ। ये एक बिज़नेस फैमिली है, इनके जो मेन है यूसुफ सहगल साहब, ये चार भाई हैं, ये कोहिनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के मुख्तलिफ क्या कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री, इस टाइम पे तकरीबन 65 के करीब जो कंपनीज़ हैं वो ये लोग ऑन करते हैं। ये ज़्यादा वायरल होने में मेरे ख्याल से जो है वो मियां मंशा का, क्योंकि वो उसका नाम अटैच है, ये उनके सुसर हैं। मियां मंशा जो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं जी, बिल्कुल ये उनके सुसर हैं। ये साथ ही उनके बेटे की कब्र है आज़म सहगल साहब, ये क्या कहते हैं PIA के चेयरमैन थे पहले। तो वो जो तस्वीर है उस तस्वीर का इससे ताल्लुक जोड़ा गया मियां मोहम्मद यूसुफ सहगल के साथ, तो वो तस्वीर कहाँ की है और फिर आपने इस हकीकत पे आप इधर आए या आपने लोगों से रابطہ किया और कैसे हमें आपने बताया कि ये ऐसी बात नहीं है? सोशल मीडिया पर तो वो लाखों की तादाद में शेयर हो चुकी है तस्वीर। मैंने जब सोशल मीडिया पे अपने, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फेसबुक पे तो एक्टिव नहीं हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे देखा तो वो यही देखा था कि यार इतना अमीर आदमी और उसकी कब्र की आज क्या हालात हैं। तो मैंने क्या कहते मुनीब इकबाल साहब हैं, इलामा इकबाल के पोते, उनसे रابطہ किया, जो कब्रों के ऊपर ज़्यादातर जो काम है लाहौर के ऊपर जो ऑथेंटिक माना जाता है जो हयात हैं वो एमर शाही साहब हैं, मैंने उनसे रابطہ किया तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि जो इन्हीं के यूसुफ सहगल साहब के जो भाई हैं उनकी कब्रें मियानी साहब में हैं इन्हीं के ख़ानदान की, लेकिन जो यूसुफ सहगल साहब हैं ये आप अहाता देख रहे हैं इसमें इनके जो जितने भी बच्चे वगैरह हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं जी, इनकी बेगम की, इनके बच्चों की, आज़म सहगल हैं, जवेद सहगल हैं, ये सब की कब्रें इस अहाते में गुलबर्ग वाले कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो इस जो कब्रिस्तान है, जब आपने यहाँ पर रिसर्च की तो आपको क्या मुख्तलिफ चीज़ यहाँ पर मिली? आपने जिस तरह से बताया कि जगह की कमी, और एक और बात बताई कि बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर मदफन है, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है ये गुलबर्ग के इलाके में वाक़ है, बुंदू खान जो बुंदू खान रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी कब्र भी यहीं पे है, फिर राजा बरादरी की कब्रें भी इसी तरह अहाते में हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्योंकि पहले जो थे जो बड़े लोग थे अमीर लोग वो क्या कहते कब्रें डोनेट कर देते थे जगह, तो क्योंकि अब LDA ने भी हालांकि रखा तो हुआ है कि जो जगह जो है वो अप्रूव होनी चाहिए, सोसाइटी तब तक अप्रूव नहीं होती जब तक कि उसमें कब्रिस्तान मौजूद ना हो, लेकिन आज आप लाहौर में देख रहे हैं कि कब्रों की जगह जो है वो कम है। अभी ये सहगल फैमिली में अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई मजीद वफात होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी अहाते में जगह मौजूद नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप तो तारीख दान हैं और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जाते भी हैं वक्तन फ़क्तन, बड़े बड़े लोगों की कब्रें जो अपने दौर में तो बड़े अजीम शान ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कोई ऐसा भी वाक्या हुआ कि आप किसी कब्र पे गए जिस तरह से ये तस्वीर है, कोई खस्ता हाल आपने कब्र देखी और आपने देखा होगा कि कई कई दिन यहाँ पर कोई नहीं आया? ऐसी बहुत सारी, मुझे यही हैरानगी हुई कि ये जैसे करेक्टर असैसिनेशन की गई है स्पेशली तौर पर ना, कि जी सहगल ख़ानदान के, हालांकि कब्रें तो होती ही इबरत का निशान है, जब आप कब्रिस्तान में एंटर हो गए तो वो इबरत का निशान ही है, चाहे वो मार्बल की कब्र है या मिट्टी की कब्र है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमें खड़े हुए तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट हो गए कोई भी नहीं आया, मतलब बच्चे जो हैं अपने वालदेन की कब्रों पर नहीं आते। जो मैंने पिछले दिनों कब्र की थी मोहब्बत खान, जिसने क्या कहते एक खाने खाना का खिताब पाया था, उस पर सदियाँ हो गई, मेरा इवन के बचपन वहीं उसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते गुजरा, तो वहाँ पर मैंने कभी आज तक किसी को देखा ही नहीं। फिर ख़ानदान गुलामा की बुनियाद रखने वाले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र पर कभी मैंने किसी को नहीं देखा, इवन के बहुत बड़े आदमी थे, बिल्कुल ख़ानदान गुलामा की बुनियाद उन्होंने रखी 1206 में, लेकिन आप कभी भी जाके देख लें, हालांकि उनका जो मकबरा है वो नारकली के मशहूर बाजार ऐबक रोड पर वाक़ है, लेकिन कभी भी वहाँ पर कोई भी मैंने नहीं कभी देखा किसी को। अच्छा ये अभी तो ये जो फूलों की ताजगी बताती है कि ये सुबह में रखे गए हैं जी, बिल्कुल मैं जब कल यहाँ पे आया तस्दीक करने के लिए तो मुझे गोरकन से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि ये फैमिली जो है वो रेगुलर आती रहती है। बिल्कुल ठीक है, ये जो कब्रें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका उस तस्वीर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो असल कब्रें हैं जो वो कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालकान थे जिन्होंने बुनियाद रखी मियां मोहम्मद यूसुफ सहगल, और वो जो वो तस्वीर दिखाई गई कुछ लोगों ने शायद अपने ही घर से वो तस्वीर वायरल कर दी और हम लोग उसे बिना सोचे समझे तहकीक किए इस तरह से वायरल करते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि जब आप कब्रिस्तान में आ जाती है मैयत तो वो वैसे ही इबरत का निशान बन जाती है, लेकिन चाहे कब्र मार्बल की हो या मिट्टी की इबरत का निशान होती है। अपने मेज़बान फ़ारूक़ वड़ाइज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।